press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड के आईपीओ को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इसको देखते हैं, क्या भैया इसमें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं, और क्या पॉसिबिलिटी है अपने को लिस्टिंग गेन मिलने की। ठीक है, चलिए तो सेलो के बारे में देखो, प्रैक्टिकली आप सब जानते होंगे, ये जो है आपके स्टेशनरीज के बिजनेस में है। देखिए, सेलो वर्ल्ड इज अ फेमस इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी मेनली डीलिंग इन थ्री कैटेगरीज सच एज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेन वेन, आप देखते हैं ना इनके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कैंपस वेम्पस सारे आते हैं, है ना, तो ये उस चीज के अंदर इनका बिजनेस है। मोल्डेड फर्नीचर, कंज्यूमर हाउसवेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये उसके अंदर है। 60 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को। मेरे ख्याल से हम सब बेसिकली इस कंपनी को तो जानते हैं, हमने देखा हुआ है। ठीक है, अब जरा फटाफट इसके डेट्स और चीज को एक बार चेक कर लें कि कब खुल रहा है, क्या है इसके आईपीओ के बारे में, जरा फटाफट चेक कर लें। देखिए, आईपीओ ओपन हो रहा है 30 अक्टूबर को और ये 1 नवंबर तक रहेगा। लिस्टिंग डेट इसकी 9 नवंबर की है, 9 नवंबर तक ये लिस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये T+3 में चला गया तो उससे पहले भी हो सकता है। क्या है ये T+3, कैसे काउंट करते हैं, वो मैं आपको आने वाला टाइम में बताऊंगा। फेस वैल्यू इसका 5 है, ये जो है ना मतलब मुझे उतना पसंद नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूं मुझे फेस वैल्यू जो है वो 10 की अच्छी लगती है। तो आप भी जब भी कोई आईपीओ रिव्यू करें खुद से, तो आप देखेंगे क्या उसका फेस वैल्यू 10 का है या नहीं। तो इन्होंने फेस वैल्यू 5 रखी है, मतलब ओके हो। चलिए, इसका प्राइस बैंड है 617 से लेके 648 का इसका प्राइस बैंड है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो याद रखें 648 पे आपको अप्लाई करना है, 614 पे अप्लाई, 617 पे अप्लाई नहीं करेंगे आप, 648 पे अप्लाई करो। और 648 पे भी अप्लाई करके मिलना तो है नहीं, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में 23 शेयर्स हैं। अच्छा, कितना पैसा उठाना चाहते हैं ये मार्केट से, तो ये टोटल 1900 करोड़ रुपीज, करीब करीब मोटा मोटी 2000 करोड़ जो है मार्केट से उठाने की कोशिश कर रहा है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। और ये पूरा का पूरा जो है ये ऑफर फॉर सेल है, ये है एक टेंशन की बात। मतलब यहाँ पे कोई फ्रेश इशू नहीं है, सारा का सारा ओएफएस है। तो जब भी आपको ये देखना है कि जब आप कोई आईपीओ ले रहे हो तो वहां पे जो आपको जो आईपीओ का जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फ्रेश इशू पे से कंपनी पैसा लेना चाहती है या ओएफएस लेना चाहती है। ओएफएस मतलब क्या हो गया कि कंपनी का कोई प्रमोटर है जो अपना माल बेचना चाहता है। भाई अपना माल बेचना चाहता है मतलब अपना माल आपको चिपकाने के मूड में है। तो ये पूरा का पूरा जो 2000 करोड़ है मोटा मोटी, वो पूरा का पूरा ओएफएस है, यहाँ पे कोई फ्रेश इशू नहीं है। ये मेरे लिए जो है एक बड़ा नो है, बड़ा नो है। खैर, इन चीजों को आगे देखेंगे कि भाई आगे लेना भी है या नहीं लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ डेट 30 अक्टूबर का है, 1 नवंबर को खत्म हो रहा है, 6 नवंबर तक आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, 7 नवंबर को आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका फंड जो है रिफंड कर दिया जाएगा, 8 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में शेयर, और जैसा मैंने बताया 9 नवंबर तक आपका जो है लिस्टिंग हो जाएगी। ये T+3 के फॉर्मेट में नहीं है, ये T+6 के फॉर्मेट में है। अभी हम सब T+3 में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंपनियां कर भी रही हैं T+3 में, तो वैसा हुआ तो ये सब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ थोड़ा और देखते हैं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भी आपको जरूर देखना चाहिए जब हम आईपीओ अप्लाई करते हैं।
पीआईबी को बोल रहा है नॉट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। रिटेल वालों से क्या कह रहा है, नॉट लेस देन 35%, मतलब 35% के नीचे नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा रिटेल वालों को। और साइज क्या है, 2000 करोड़। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, अलॉटमेंट के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। एचएनआई में ये क्या दे रहा है, नॉट लेस देन 15%, उनको बोल रहा है भाई 15% से कम आपको नहीं दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, कुछ और काम की बात कर ले। ये देखिए, उसके बाद आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो यहां पे बोल रहा है प्रमोटर की होल्डिंग 100% थी, और अभी ये आने के बाद, आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, वो 91.8 हो जाएगी। बहुत अच्छा है, 91.8 का अगर उनका प्रमोटर का होल्डिंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं सेबी के रूल के हिसाब से इनको और डाइल्यूट करना पड़ेगा, और कुछ अपने शेयर जो है निकालने पड़ेंगे, करीब करीब 73-74% इनको अपना लाना पड़ेगा, तो वो शायद आने वाले टाइम में इन लोग करेंगे। चलो और देखें इस पैसे का भैया करेंगे क्या। ठीक है, पहले इस पैसे का जो उठा रहे हो आप पैसा, उसका आप करोगे क्या। तो भाई देखो, ये पूरा का ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर। कंपनी को कोई पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि जो प्रमोटर है उसने अपना अपना हिस्सा बेच दिया, कंपनी के पास कुछ नहीं आ रहा है, प्रमोटर के पास पैसा आएगा तो कंपनी को इस पूरे चीज से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है कंपनी को। ठीक है, अब जरा एक बार इनके हम डिटेल्स को देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं कंपनी के, आजकल आप देख रहे हो सारे के सारे ऐसे चल रहे हैं, पहले हम लोग सीधा देखते थे लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो मार्च 21 में कंपनी का रेवेन्यू 1059 था, बढ़ गया 1375, 1813। तो आप एक इंप्रूवमेंट जरूर देख रहे हैं, और ये जो है ये एक क्वार्टर का इसने दे दिया है, जून 2023, एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर में 479। ठीक है, अब जरा प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई आपने धंधा किया, अच्छी बात है, बिजनेस किया, आपके हाथ में बच क्या रहा है। तो 165 था मार्च 2021 में, जो बढ़ के 219 हो गया, फिर 285 हो गया, और अभी तक 82 के करीब करीब है। मान लो यही रहता है तो आप करीब करीब 320 के करीब करीब आपका एक साल का प्रॉफिट होगा, है ना। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम जरा इसकी बोरोइंग देख ले भाई, कंपनी पे कर्जा क्या है। 334 का मार्च 2021 में था, जो बढ़ के 462 हो गया, फिर इन्होंने 2023 में इस साल थोड़ा कम किया, 335 किया, और अभी इस क्वार्टर में थोड़ा सा और कम कर लिया है, 328 कर लिया। तो मतलब इन लोग कर्जा कम कर रहे हैं, बट याद रखें क्योंकि जो पैसा आ रहा है उससे ये कंपनी के पास नहीं जा रहा, तो ये ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये पैसा पूरा प्रमोटर के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो पैसा दोगे तो इसमें थोड़ा और कर्ज कम कर देंगे और उससे आपका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, अब जरा एक बार रेशियोज देख ले भाई, इसका रेशियोज क्या बोल रहे हैं। इसके रेशियोज देखिए, P49 के मल्टीपल का है, मार्केट कैप 13,752 का है, ROE 134.43%, बहुत उम्दा है, बहुत बेहतरीन है, ROCE 44.48 अच्छा है, EPS 13.65, रिटर्न ऑन नेटवर्क 23. ठीक है, चलो आपके ये ठीक है। एक बार जरा इसके पीयर के कंपैरिजन को देख लेते हैं, ओके, एक बार जरा वो भी देख लें क्या बोल रहा है, जरा पीयर्स के साथ कंपेयर कर लें, फटाफट कुछ आइडिया मिल जाएगा।
और उसके बाद फटाफट देखिए, ये इनके पीएस की कंपनी है, बोरोसिल लिमिटेड। P57 का है, कुकियो कैमलिन 63 का पी है इनका, है ना। तो ऐसे आप सब देखें तो ठीक है, मतलब करीब करीब ये जिस पे आ रहा है, करीब करीब ठीक है। इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट यही कहानी है, मोटा मोटी यही कहानी है यहाँ पे। चल अब जरा समझने की कोशिश करते हैं भाई, क्या पॉसिबल लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा उठा पटक चालू हुआ मार्केट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे बहुत इसका जो अभी प्रेजेंट ग्रे मार्केट प्राइस है वो कुछ 100 रुपए का चल रहा है, प्राइस 648 का है, यानी कि करीब करीब 12-13% अभी ऐसा लग रहा है। बट आप अगर जब इसको अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप मोटा मोटी 5% पकड़ के चलो, 5% से लेके 15% तक का आप एक रेंज पकड़ के चलो। अगर इसके अंदर, मेरे को लगता है इसी रेंज के अंदर इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, 5 से 15, इससे ज्यादा मुझे इसमें उम्मीद नहीं लगती है। क्योंकि पहला चीज मैंने आपको बताया, ये फेस वैल्यू 5 पे है, दूसरा पूरा का पूरा ओएफएस है, तो पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको ये दे देगी। अगर आप इसको ले रहे हैं, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लेना चाहते, तो आपको ये फिर लॉन्ग टर्म दिमाग में रख के लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे तो मतलब मुझे लगता है उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ से नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में होने की संभावना है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से सेलो वर्ल्ड के आईपीओ का एक रिव्यू। कोई सवाल है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।